तो भाई आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि केएल राहुल का वर्ल्ड कप कैंपेन हो चुका है ख़त्म। और मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि यार केएल राहुल अभी 100% फिट नहीं है। और फिट वो क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कल के मैच में ही देखा होगा, लखनऊ और पंजाब के मैच में वो एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहा था। वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी यार मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ किसी अनफिट प्लेयर को वर्ल्ड कप के लिए ले जाएंगे जो 100% अश्योरेंस ना दे कि हाँ भाई ये टोटल मैचेस खेल लेगा। राहुल के एल राहुल के बाद ये भी आता है ना यार कि के एल राहुल अभी जिस पोजीशन पे खेल रहा है वो वहाँ तो वर्ल्ड कप में खेलेगा नहीं। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है उसने एडमिट कर रखा है कि मैं इस वर्ल्ड कप में नहीं जा सकता। तो देखते हैं यार, बाकी वर्ल्ड कप की टीम तो 1 मई को जाने वाली है, आई गेस प्रपोज स्क्वाड जाएगा तो कौन कौन से प्लेयर होते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता यार, ऋषभ पंत का भी चांसेस मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि यार उसका वो उस रिदम में नहीं लग रहा जैसा वो पहले रहता था। लेकिन चलो, उनके T20 नंबर तो पहले से ही वैसे नहीं है इंटरनेशनल्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द IPL। तो केएल राहुल के बारे में अपडेट यही है कि उसका वर्ल्ड कप कैंपेन हो चुका है ख़त्म। अब उसे यार आराम कर लेना चाहिए, बाकी देखते हैं अगले मैच में कैसा रहता है।